नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिन भर की 100 बड़ी खबरों से। नवजोत सिंह सिद्धू पर बीजेपी का निशाना, संबित पात्रा बोले जैसा नेता वैसा सलाहकार। पैन कार्ड गड़बड़ी से जुड़े मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। ढेर में लगे खजूर तोड़ने गए दो मासूम बच्चों की डिग्गी में डूबने से मौत। सिद्धू के सलाहकार ने शेयर की पाकिस्तानी पत्रकार अरुसा आलम और सीएम अमरिंदर की फोटो, पूछा इशारा किस तरफ। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से शुरू हुआ कैप्टन वर्सेस सिद्धू, उठी कार्रवाई की मांग। गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंगस्टर फहीम खान के भांजे प्रिंस ने दिन दहाड़े युवक पर बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल। मलबे में दबे मिले 4 और शव, अब तक 17 की मौत। पांच सीसीटीवी कैमरे, 800 घंटे की फुटेज और 200 लोगों से पूछताछ, ऐसे सामने आया रेप का सच। दादा की लाश फ्रिज में रख सुकून में था पोता, बोला अंतिम संस्कार के लिए नहीं थे पैसे। घर से आ रही थी तेज दुर्गंध, पुलिस ने मारा छापा तो फ्रिज से निकली बुजुर्गों की लाश। कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की कमी को लेकर कैबिनेट मंत्री ने मांगी माफी, कांग्रेस ने साधा निशाना। जातिगत जनगणना पर एक हुए नीतीश तेजस्वी, बढ़ सकती है बीजेपी की बेचैनी। थर्सडे में नेहा धूपिया निभा रही है प्रेग्नेंट कॉप की भूमिका, शेयर किया फर्स्ट लुक। करीना कपूर से सना खान तक, मालदीव्स में फिर लगा सितारों का मेला। राहुल गांधी का कहना, 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी उसे मोदी सरकार ने बेचने का लिया निर्णय। अफगानिस्तान से निकलने के लिए लाइन में लगे दिखे पूर्व आर्मी चीफ, कुछ ही दिन पहले हटाया था गनी ने। डोमिनोज पिज्जा में मिला नटबोल्ट, गुस्से में महिला ने काटा बवाल, फिर कंपनी ने किया कुछ ऐसा। मांग में टीका, हाथों में कलीरे, मनीष मल्होत्रा के लहंगे में दुल्हन बन कृति सेनन ने बिखेरा जलवा। दिव्यांग महिला के घर में घुसकर हाथ पैर बांधे, फिर किया दुष्कर्म का प्रयास। सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को एक और सुविधा दी है, अब वो व्हाट्सएप के जरिए भी वैक्सीन का स्लॉट बुक कर सकेंगे। सीएम ठाकरे को थप्पड़, टिप्पणी का मामला गरमाया, शिवसेना भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े, नारायण राणे को पकड़ने निकली पुलिस। मध्य प्रदेश में 25 से 26 को चलेगा मेगा टीकाकरण अभियान, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मनसुख मंडाविया से की मुलाकात। प्लास्टिक है पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन, इसके विकल्प को मिले प्रोत्साहन। जोखिम में बचपन, बच्चों से जुड़े कई खतरों को लेकर चेताती है यूनिसेफ की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़, दो नक्सली ढेर। बिहार के कटिहार जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान मुस्लिम भीड़ के हिंदुओं पर हमले का दावा गलत। अफगानिस्तान से 78 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा वायुसेना का विमान, गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भी लाई गई। पीएम मोदी को अरुण जेटली की आती है बहुत याद, पूर्व वित्त मंत्री को अमित शाह, जेपी नड्डा सहित इन दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। भारी बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं और नदियां उफान पर गई। रोग नियंत्रण की खामियों से प्रभावित हुआ पशुधन क्षेत्र का विकास, संसद की समिति ने जताई चिंता।
जातीय जनगणना हुई तो आरक्षण को लेकर भी बढ़ेगा दबाव, नहीं दिया जा सकता 50% से ज्यादा रिजर्वेशन। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस तरह सड़क बंद नहीं की जा सकती, सरकार निकाले हल। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को वयस्कों के समान ही होगा जोखिम, बचाव के लिए विशेषज्ञों ने दिए सुझाव। भारतीय सिनेमा के वेटरन एक्टर कमल हसन ने शेरशाह को लेकर ऐसी बात बोली है जो इस फिल्म को दूसरी फिल्मों से अलग रखती है। सुनील शेट्टी के बेटे अहन शेट्टी बॉलीवुड डेब्यू के लिए बिल्कुल तैयार है, मगर हालात ने अहन का इंतजार थोड़ा लंबा कर दिया है। जेमप्लस्ट के शेयर बाजार में कमजोर एंट्री, आईपीओ के रेट से नीचे लिस्ट हुए शेयर। सरकार 90 ट्रेनों 400 स्टेशनों 25 एयरपोर्ट को करेगी मोनिटाइज। वायदा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमत भी घटी। टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एयरटेल के शेयरों में तेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी मल्टी मोड ग्रेनेड को किया वायुसेना के हवाले, कहा पीपीपी का अच्छा उदाहरण। सीएम ठाकरे को थप्पड़, टिप्पणी का मामला गरमाया, शिवसेना भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े, नारायण राणे को पकड़ने निकली पुलिस। आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को मिला वाटर प्लस टैग, सीवेज वाटर के बेहतर प्रबंधन के लिए सम्मान। अफगानिस्तान पर होने वाले विदेश मंत्रालय के ब्रीफिंग में ओवैसी भी होंगे शामिल, 26 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक। लीड्स टेस्ट में भारत को किस कॉम्बिनेशन के साथ मिल सकती है जीत, माइकल वॉन ने टीम इंडिया को बताया सीक्रेट। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने निकाली 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भर्ती। टोनी कक्कड़ ने अपने संघर्ष के दिनों को किया याद, नेहा कक्कड़ के भाई को इतने प्रोड्यूसर्स ने कर दिया था रिजेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट देगी स्टार्टअप को बिजनेस बढ़ाने में मदद, इन 11 को पहले मिलेगा मौका। टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री को आगे भी मिल सकता है कार्यकाल। पोन्नियन सेल्वन के सेट से लीक हुई ऐश्वर्या राय की फोटो, हैवी ज्वेलरी, पिंक कांजीवरम साड़ी में महारानी लुक में आई नजर। इमरान सरकार को बेनकाब करेगा विपक्ष, भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली पर लाएगा श्वेत पत्र। आधार कार्ड में अब घर बैठे नहीं अपडेट कर सकते हैं डिटेल्स, यूआईडीआई ने अस्थायी तौर पर बंद की सर्विस। अमेरिका ने काबुल से 10,900 और लोगों को निकाला, 4,000 अमेरिकी नागरिक भी शामिल। रक्षाबंधन पर सोहा ने शेयर की जय और इनाया की बेहद प्यारी तस्वीर। सोनू सूद से फैन ने मांगे 1 करोड़ रुपए, अभिनेता ने दिया जवाब, बस 1 करोड़ थोड़ा ज्यादा ही मांग लेता। उद्धव ठाकरे पर की टिप्पणी को लेकर हुई एफआईआर को रद्द करने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे नारायण राणे, शिव सैनिकों का महाराष्ट्र में हंगामा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई मोदी पुतिन के बीच अहम वार्ता, रूस ने किया कि तालिबान का समर्थन। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि कोविशील्ड के 2 डोज के बीच 84 दिनों के अंतराल की वजह बताए केंद्र। काबुल एयरपोर्ट को किया गया बंद, भारी भीड़ और अफरा तफरी से बचने के लिए फैसला। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है तय समय सीमा से पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना। फंसे लोगों को निकालने काबुल पहुंचा यूक्रेन का विमान, हुआ हाईजैक, ले जाया गया ईरान।
हार्दिक पांड्या की इस घड़ी ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश। तारक मेहता फेम निधि मानुशाली की अनदेखी फोटोज वायरल, बैकग्राउंड में हो रही गंदी हरकत ने खींचा सबका ध्यान। बेटी की प्रेगनेंसी पर भड़की मां को मिली दर्दनाक मौत, बॉयफ्रेंड ने पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। मानसिक तौर पर बीमार शख्स ने सुसाइड की कोशिश के दौरान चाकू से अपना प्राइवेट पार्ट काट कर अलग कर दिया। हाई राइज टावर से गिरकर मासूम की मौत, पहले जन्मदिन पर से मातम में बदली खुशियां। सोपोर एनकाउंटर में तीन आतंकवादियों का खात्मा। बहू और किराएदार में अवैध संबंध का शक, ससुर ने कर दी बच्चों समेत पांच की हत्या। बारह साल की बच्ची बनी मां, तब पता चला दसवीं के तीन छात्रों ने किया रेप। अनुपमा सीरियल में अनुपमा बुरे वक्त में घर परिवार छोड़कर भागी, उठाया बड़ा कदम। अनुपमा पे मदालसर शर्मा ने पहनी ऐसी ड्रेस, संभालने में लगे चार लोग। यूपी के कन्या पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, डीएडीआर बढ़ाने के प्रस्ताव को सीएम योगी की मंजूरी। काबुल से सकुशल लौटा चंदौली का सूरज, घरवालों की आंखों में खुशी के आंसू, भारत सरकार का किया वादा। आगरा में चार लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, परिजनों ने लगाई ये आरोप। निंदाहाने पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूटे 11 लाख रुपए, बदमाश तमंचा लहराते हुए फरार। यूपी के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। यूपी में तबादलों का सिलसिला जारी, 13 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारी किए गए धरसुधर। 77 यूपी की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का 28 अगस्त को शिलान्यास करेंगे राष्ट्रपति, चिकित्सा शिक्षा का हब बना रहा। 20 घंटे बाद भी बहाल नहीं हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मालगाड़ियों का संचालन रुका। बिहार पंचायत चुनाव 2021 से पहले आवेदन देने वाले प्रत्याशी को दिया जाएगा मौका, वाहन में चस्पाना होगा पत्र। मुंगेर में 9 चरणों में होगा मतदान। आईआईटी दिल्ली के सुझाव पर बारिश के दौरान जलभराव की समस्या जल्द होगी दूर, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। आम आदमी पार्टी 1 सितंबर से दिल्ली में भाजपा के खिलाफ चलाएगी महाअभियान, विधायक करेंगे जनता के साथ बैठकें। कांग्रेस ने मास्टर प्लान 2041 को बताया दिशाहीन, दिए ये सुझाव। जिंद को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, सदन में बोले दुष्यंत चौटाला, 30 दिन में शुरू होगा बस सट्टा। विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा और वर्कआउट, सरकार ने पेपर लीक होने को पेश किया संशोधित विधेयक। दीपेंद्र हुड्डा बोले, दिवालियेपन की ओर बढ़ रहा देश, सरकारी संपत्ति बेचकर कब तक काम चलाएगी सरकार। 12 साल के बच्चे का अपहरण, खून निकालकर कब्रिस्तान के पास छोड़ा। मंदिर जा रहे परिवार की आंखों के सामने दो सगी बहनों की हादसे में मौत। दहशत फैलाने के लिए तालिबानी अपना रहे ये तरीका, कभी जमीन तो कभी आसमान में करते हैं फायरिंग। दिल्ली में यूएनएचसीआर दफ्तर के बाहर रात में भी डटे रहे अफगान शरणार्थी, इमिग्रेशन लेटर की मांग। कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मॉग टावर की शुरुआत, ऐसे काम होगा प्रदूषण।
धनबाद में आम लोगों की सेहत से खिलवाड़। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर फूड फैक्ट्री को किया सील। कोरोना काल में स्कूल हुए बंद तो मध्य प्रदेश के इस गांव ने पेश किया अनुकरणीय उदाहरण। चित्रकूट में दो मोटरसाइकिलें भिड़ी, दो की मौत, दो घायल। साइबर अपराध की केस स्टडी देश दुनिया से साझा करेगी मध्य प्रदेश पुलिस। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 14 केस दर्ज। हाईकोर्ट का कहना है कि बिना शादी के पैदा हुए बच्चे के पिता का नाम बताना नहीं है जरूरी। गुजरात मद्य निषेध कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई को हाईकोर्ट तैयार। हाले आरटी छत्तीसगढ़ में मुफ्त की पढ़ाई से मोहभंग। हड्डियों से जुड़ी समस्याओं पर चिकित्सक से पूछे सवाल। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।